आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल डायफ्रेक्शन से रिलेटेड। देखिए, डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दे दिया कि लाइक वेव्स में हमारे पास पार्टिकल्स भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फोटॉन की तरह मतलब पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट इलेक्ट्रॉन और लाइक इलेक्ट्रॉन अदर पार्टिकल्स वो वेव की तरह क्यों नहीं बिहेव कर सकते। तो उसने ये हाइपोथेसिस दिया कि वो वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं, और उनकी वेव लेंथ अगर मेजर करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, और वी उस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी और एम उसका मोमेंटम। अब इसकी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन जो है वो 1927 के अंदर क्लिंटन जे डेविसन और लास्टर ए जर्मर ने, ये दोनों यूनाइटेड स्टेट्स में थे, इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इन्होंने भी डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस को वेरीफाई किया डायफ्रेक्शन के जरिए। और जीपी थॉम्सन वो इंग्लैंड में था, उसने इनको देखते हुए या इन पे डिपेंड करते हुए नहीं बल्कि उसने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसने भी ये चीज़ कंफर्म की। तो इन तीनों को एक शेयर्ड नोबेल प्राइज मिला था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो जीपी थॉम्सन है ये जे थॉम्सन का बेटा है, और जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, पार्टिकल नेचर के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पार्टिकल है वो, और ये एंटिटी ऑफ मैटर है। और इसके अलावा उसने चार्ज टू मैस रेशियो भी मेजर करके दी थी जे थॉम्सन ने। जीपी थॉम्सन उसका बेटा था जिसने उस पार्टिकल की वेव नेचर को प्रूव किया। ओके, डेविसन और जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट था वो कदरे सिंपल है और आसान है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। जीपी थॉम्सन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो थोड़ा डिफरेंट था, हम वो करेंगे जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो जो डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, एक्चुअली वो ना इलेक्ट्रॉन्स की स्कैटरिंग को स्टडी कर रहे थे सॉलिड से। जैसे ये अपरेटस देखें आपके साथ में नजर आ रहा है आपको, कि इस अपरेटस में ये इलेक्ट्रॉन गन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जब प्रोड्यूस होंगे तो इसके आगे एक्सेलरेटर लगा होता है मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल, जो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका मतलब है आप इलेक्ट्रॉन्स को जितनी भी एनर्जी करना चाहें तो कर सकते हैं, विद इन एक लिमिट्स होती हैं, मतलब आप रिलेटिविस्टिक वाले लिमिट्स को नहीं भूलेंगे, तो आप उनकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आप उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं तो आप उसकी एनर्जी इंक्रीज कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आप इसको इस सॉलिड के ऊपर फॉल करवाएंगे तो डेफिनेटली आप एक तो इस बीम की एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, दूसरा आप इस बीम को इस सॉलिड के ऊपर डिफरेंट एंगल्स के ऊपर बमबार करवा सकते हैं सॉलिड के ऊपर, और तीसरा ये है कि जब ये बीम इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो फिर स्कैटर होगी, और स्कैटर्ड बीम को आपने डिटेक्ट करना है तो उसके लिए डिटेक्टर भी है, डिटेक्टर भी मूवेबल है। इसका मतलब है आपके पास तीनों चीज़ें वेरी हो सकती हैं, और वेरी करके आप इस बीम की इंटेंसिटी को चेक कर सकती हैं स्कैटर्ड को। क्लासिकल फिजिक्स जो है वो प्रिडिक्ट करती है कि जब ये बीम स्ट्राइक करेगी इस सॉलिड को तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हर डायरेक्शन में स्कैटर होंगे, और अगर आप उसकी इंटेंसिटी को मेजर करेंगे, अमाउंट की बात हो रही है, अगर आप उसकी अमाउंट डिफरेंट एंगल्स पे मेजर करेंगे तो वो एंगल पे डिपेंड नहीं करेगी, मतलब आपको हर एंगल पे इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सेम मिलेगी, मतलब है एंगल पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे मेजर कर रहे हैं तो जो इंटेंसिटी आपको यहाँ मिल रही है, अगर आप यहाँ पे चले जाएंगे तो तब भी आपको ऑलमोस्ट वही सेम इंटेंसिटी मिलेगी, एक चीज़। दूसरा ये कि अगर आप इनकी एनर्जी को बढ़ा दें तो एनर्जी के बढ़ने से भी उस जो है वो फर्क नहीं पड़ता था, मतलब कि डिफरेंट एंगल्स पे इंटेंसिटी की वेरिएशन आ जाए, मतलब आपको लगता हो कि अगर हम इसकी एनर्जी को बढ़ा दें तो ऐसा हो कि नहीं, अब इस एंगल पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इस पे कम जाएंगे, तो इसका मतलब इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन जो क्लासिकल फिजिक्स की प्रेडिक्शन थी कि ऐसा नहीं होगा, ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको इंटेंसिटी सेम मिलेगी। डेविसन और जर्मर ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एग्जैक्टली सेम रिजल्ट उन्हें मिले जो क्लासिकल फिजिक्स प्रेडिक्ट कर रही थी। बट जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्चुअली उन्होंने जो टारगेट लिया था सॉलिड वो निकल था, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एक्सपेरिमेंट के दौरान ऐसा हुआ कि उनके अपरेटस के अंदर हवा एंटर हुई, वैक्यूम के अंदर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन बाय एक्सीडेंट एयर एंटर होगी, और एयर एंटर होने की वजह से वो जो निकल था वो ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है रस्टिंग हो जाना, मतलब जंग लग गया। अब क्योंकि वो इस तरह तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते थे, उन्होंने उस निकल को निकाला, उसको हीटअप किया, उसका हीट ट्रीटमेंट करने के बाद
जब वो ठीक हो गया उसको फिर दोबारा से अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए लेके गए, लेकिन जब उन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो दे वर शॉक्ड बाय द रिजल्ट्स। उसकी वजह ये थी कि अब जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे थे वो डिफरेंट थे। वो पहले तो आपके पास इंटेंसिटी हर जगह सेम आ रही थी, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस इंटेंसिटी आ रही थी, लेकिन अब जब वो डिफरेंट एंगल्स पे मेजर करते थे तो उन्हें किसी जगह पे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी मिलती थी और किसी जगह पे बहुत कम इंटेंसिटी मिल रही थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस एंगल पे आपको बहुत इंटेंसिटी मिल रही हो, लेकिन अगर आप एंगल इधर चले जाते हैं तो हो सकता है आपको वो इंटेंसिटी बहुत कम मिले। तो ये एक न्यू चीज थी कि जिसकी समझ नहीं आ रही थी कि व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। ओके, अगर हम जो उनको ग्राफ मिले थे, रिजल्ट मिले थे, उन्होंने क्या किया, एक और चीज, एक तो ये कि आपको डिफरेंट एंगल पे मिल रहा था, दूसरा ये कि जब वो एनर्जी को चेंज करते थे तो ये वाली जो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी इस जगह पे मिली है, अगर आपने एनर्जी बढ़ाई है या कम की है तो ये वाली मैक्सिमम इंटेंसिटी भी शिफ्ट हो जाती थी। ये यहाँ पे इस एंगल पे नहीं मिल रही थी, किसी और एंगल पे मिल रही थी। इसका मतलब अब जो आपके पास आउटपुट आ रही है, इंटेंसिटी आ रही है, वो एंगल पे भी डिपेंड कर रही है और आने वाली बीम की एनर्जी पे भी डिपेंड कर रही है। तो उन्होंने डिफरेंट एंगल्स पे और डिफरेंट एनर्जीज पे जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उन्होंने ग्राफ ड्रा किए। अब ग्राफ देखें कि यहाँ पे 40 वोल्ट, 40 वोल्ट पता है क्या है, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है जो आपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए यूज किया। अगर आप 40 वोल्ट यूज करते हैं तो इसका मतलब उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जब मैंने फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था तो आपको समझाया था कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। जितनी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है उतनी ही उनकी एनर्जी होगी। 40 वोल्ट है तो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर 50 वोल्ट है तो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे देखें, ये जो लाइन है ये शो कर रही है इंसिडेंट बीम को कि ये बीम है, और उसके बाद ये वाली जो चीज है ये हमें शो कर रही है इंटेंसिटी मेजरमेंट कि आपने इंटेंसिटी मेजर किया डिटेक्टर के जरिए। अब गौर करें, लो एनर्जी पे आपको इस तरह का बिहेवियर कम मिल रहा है, लेकिन अगर आप एनर्जी बढ़ाते हैं तो देखें ये मैक्सिमम पीक मिली है, उसके बाद मिनिमम मिला है, तो ये एक डिफरेंट रिजल्ट है। अगर आप और वोल्टेज बढ़ाते हैं एक्सेलरेटिंग, इसका मतलब आप आने वाले इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी बढ़ा रहे हैं। अगर और एनर्जी बढ़ाते हैं तो ये पीक और मैक्सिमम हो रही है। अगर और बढ़ा रहे हैं एनर्जी तो ये एक मैक्सिमम पैटर्न मिला जहाँ पे आपको मतलब 50 डिग्री पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही थी एंगल। ये एंगल जो है ये डिटेक्टर का एंगल है, मैं मतलब आपका जो डिटेक्टर इंटेंसिटी मेजर कर रहा है और जो आने वाली बीम है ये उन दोनों के दरमियान एंगल है जो कि 50 डिग्री है। इसके बाद दोबारा से बिहेवियर चेंज होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अब जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है, इंटेंसिटी आ रही है, वो एनर्जी पे डिपेंडेंट कर रही है और एंगल पे भी डिपेंड कर रही है। मतलब अगर एनर्जी चेंज होती है, आप देखें यहाँ पे 50 डिग्री पे है, अब आगे देखें कि आपके पास जैसे ही एनर्जी चेंज की तो ये एक तो इंटेंसिटी पे फर्क पड़ा और दूसरा एंगल पे भी फर्क पड़ रहा है जो एंगल ये इंसिडेंट के साथ बना रहा है। आप देखें ये वाले एंगल सारे सेम नहीं है, सारे एंगल्स डिफरेंट है, जिसका मतलब है एनर्जी डिपेंडेंट भी हो गया है और फिनोमिना और एंगल डिपेंडेंट भी, जो कि पहले नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ है कि मतलब ये रीजन क्या है इस न्यू इफेक्ट की, और ये हमने निकल को जब तक बेक नहीं किया था, उसको हीट ट्रीटमेंट नहीं दिया था, उससे पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये वाली चीज जो थोड़ी सी थी ये शॉकिंग थी। अच्छा, एक चीज पहली बात तो थी कि उनके माइंड में एक चीज आई कि डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दिया था कि इलेक्ट्रॉन लाइक एक्सरेज डायफ्रैक्ट कर सकती हैं। क्यों? एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है वो भी 10 की पावर -10 की रेंज में होती है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं इनकी भी जो रेंज है वो भी 10 की -10 में होती है। हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था तो उसमें भी हमें पता चला ओके इसका यही ऑर्डर होता है, इसका मतलब इसकी डायफ्रैक्शन तो क्रिस्टल से ही होनी है। एक चीज तो ये चीज उनके दिमाग में क्लिक की। फिर दूसरी चीज जो सोच में आई कि ऐसा क्यों हुआ है कि बेकिंग के बाद ऐसा हुआ है, उसकी वजह ये थी कि जो क्रिस्टल वो यूज कर रहे थे वो क्रिस्टल एक्चुअली सिंगल क्रिस्टल नहीं था। सिंगल क्रिस्टल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो एटम्स हैं, एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं थी, बल्कि वो छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलके बना हुआ था। मतलब देखें ये मेरे पास एटम है, ये नेक्स्ट एटम है, ये नेक्स्ट एटम है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, तो ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट है ना, एक लेयर दूसरी लेयर इसके नीचे तीसरी लेयर हो। लेकिन अगर ये एक छोटा सा पार्ट है उस क्रिस्टल का जिसकी हम बात करें निकल का, इसी के अंदर एक और छोटा सा रीजन हो,
उस रीजन के अंदर जो अरेंजमेंट है वो ये वाली ना हो बल्कि ये वाली अरेंजमेंट हो। है ये वही एक ही क्रिस्टल, निकल की बात कर रहा हूँ, मतलब ये छोटे छोटे क्रिस्टलाइट से मिलके बना है। ये वाला क्रिस्टलाइट है, ये एक निकल जो है वो पूरा जो सॉलिड है उसके अंदर ये वाली खिचड़ी पकी हुई थी। लेकिन जब आपने उसको हीट ट्रीटमेंट दिया, हीट ट्रीटमेंट के बाद आपने उसको कूल होने दिया, तो उसके बाद ये जो अरेंजमेंट्स थी ये सारी प्रॉपर अरेंजमेंट हो गई। प्रॉपर अरेंजमेंट का मतलब है ये छोटे छोटे रीजन्स की बनने की बजाय इस क्रिस्टल के अंदर एटम्स की प्रॉपर अरेंजमेंट हो गई। अगर एटम्स की प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाएगी तो इसका मतलब है हमारे पास ये वाली सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा कि मतलब एटम्स एक प्रॉपरली अरेंज पोजिशन में है। अगर एटम्स हमारे पास प्रॉपरली अरेंज पोजिशन में है, ये वाली जो एटम्स की लेयर है, अगर मैं एक प्लेन ड्रा करूं, मतलब जो स्क्रीन से बाहर और अंदर की तरफ हो, मैं इसको बोलूंगा प्लेन, ओके, एटॉमिक प्लेन। और ये हमारे पास एक सेकंड प्लेन है। इन दो प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डी स्पेसिंग, ओके। और अगर आप इसको सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं डी एच के एल। एच के एल जो है वो प्लेन के मिलर इंडिसेस होते हैं, लेकिन चलें आप फॉर द सिंप्लिसिटी भूल जाएं, आप सिर्फ इतना कहें कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम डी बोलते हैं। अब ये जो डिस्टेंस डी है, अगर इस डिस्टेंस डी की बात करें तो ये हम जब एक्सरे डायफ्रेक्शन करते हैं, एक्सरे डायफ्रेक्शन से हम इसको मेजर कर सकते हैं, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। अगर हम इस क्रिस्टल के ऊपर एक्सरे सॉल्व करवाएं तो आपको पता है एक्सरे की डायफ्रेक्शन होती है और उसके लिए कंडीशन होती है एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin θ। उसमें हमें एंगल भी पता होता है, लैम्डा हमने क्योंकि वेवलेंथ खुद फॉल करवाई होती है एक्सरेज की वो भी हमें पता होता है, एन ऑर्डर होता है ये भी हमें पता होता है, तो डी हम वहां से फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब डी फाइंड करना मुश्किल नहीं है, ये एक्सरेज की डायफ्रेक्शन से हो सकता है। अब हमारा जो केस है, इस केस में हमने वो वाला पोलर ग्राफ लिया, जो ऊपर ग्राफ हमने देखे थे उनको पोलर ग्राफ बोलते हैं, हमने उसमें से एक ग्राफ ले लिया क्योंकि अब हमें समझ आ गई कि ये खो डायफ्रेक्शन रही है। अब हम उसको चेक करते हैं कि अगर तो ये डायफ्रेक्शन हो रही है तो फिर इस डायफ्रेक्शन को ब्रैग्स की इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। अगर ये डायफ्रेक्शन ब्रैग्स की इक्वेशन को फॉलो करती है तो इसका मतलब है कि ये तो एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन हो जाएगी ना, क्योंकि हमारे पास दोनों तरीके हैं। हम उसको थियोरेटिकली भी करेंगे जो कि हमारे पास फार्मूला है डी ब्रॉगली का, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी, एक वो वाला फार्मूला से वेवलेंथ फाइंड करेंगे, एक हम ऐसा करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली जो कि डायफ्रेक्शन वाला फार्मूला है इसके जरिए लैम्डा फाइंड करेंगे। लैम्डा क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि डी की वैल्यू हमें पता होगी, क्योंकि निकल के डी की वैल्यू फाइंड करना वो तो हम एक्सरे डायफ्रेक्शन से भी कर सकते हैं। इसका मतलब डी तो हमारा पर्पज ही नहीं है, हमारा पर्पज है वेवलेंथ फाइंड करना। और एंगल थीटा भी हमें पता होगा क्योंकि आप इंटेंसिटी जिस एंगल पे मेजर कर रहे होंगे तो आपको पता होगा ना कि ये हमारे पास इंटेंसिटी आ रही एंगल क्या है। लेकिन लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये वाला जो फॉर्मूला है ब्रैग्स का, इसमें जो एंगल थीटा है, एक्चुअली एंगल थीटा अगर आप किसी जमाने में आपने वेव्स के बारे में पढ़ा हो तो आप पढ़ते थे हमारे पास अगर ये मीडियम है यहाँ पे अगर वेव आके फॉल करती है तो ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं और ये जो एंगल है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ओके। लेकिन लेकिन यहाँ पे हमारा पर्पज नॉर्मल के साथ एंगल नहीं बनाना, बल्कि हमारा पर्पज जो है वो ये वाला प्लेन, मतलब यहाँ पे तो हमारा पर्पज एटॉमिक प्लेन्स है ना, कि इसका इस प्लेन ये वाली जो लाइट वेव आ रही है इसका इस प्लेन के साथ क्या एंगल है हमें वो बॉदर करता है, हमें नॉर्मल को तो फर्क ही नहीं पड़ता, हमें नॉर्मल से क्या लेना देना। आपकी जो वेव आ रही है इलेक्ट्रॉन वेव है या एक्सरेज हैं, अगर वो इस क्रिस्टल के प्लेन से आके टकराती हैं तो इसका मतलब है उनका इसके साथ एंगल क्या है वो मैटर करता है, ये तो हमारे लिए मैटर ही नहीं करता कि नॉर्मल के साथ उसका क्या एंगल है, क्योंकि हम नॉर्मल की तो बात ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे ये जो एंगल है एक्चुअली वो एंगल प्लेन्स के साथ एंगल है, ना कि नॉर्मल के साथ एंगल है। तो यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे जो 50 डिग्री एंगल है वो हम इस थीटा के लिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये गलत हो जाएगा, हमारा पर्पज है वो एंगल लेना है जो प्लेन्स के साथ बने। अब देखिए ये हमारे पास सिंगल क्रिस्टल है, इसके अंदर जो प्लेन्स है ना जिनको मैं एटॉमिक लेयर्स के कह रहा था, वो प्लेन्स इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, मतलब देखें ये वाली ओरिएंटेशन है उसकी, लेकिन जो आपकी इंसिडेंट वेव आ रही है वो तो इस डायरेक्शन में आ रही है।
इसका मतलब ये एंगल 50 डिग्री प्लेन्स के साथ तो नहीं है, ये तो इंसिडेंट बीम और जो हमारी इंटेंसिटी मेजर की है उसके दरमियान एंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये एंगल नहीं चाहिए, हमें और एंगल चाहिए जो प्लेन के साथ बना हो। अगर उस एंगल की बात करें तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, इस प्लेन को इसको थोड़ा सा इस तरफ एक्सटेंड करें, तो हमें पता चलता है कि ये जो एंगल है हमारा, ये वाली जो बीम गई है, इसका एंगल हमारे पास एक्चुअली हम देखना चाह रहे हैं इंसिडेंट बीम का प्लेन के साथ एंगल क्या है। ये इंसिडेंट बीम इसके साथ जो एंगल बना रही है हमें वो चाहिए। और दूसरी बात, अगर ये वाली बीम ये वाला एंगल बना रही है, ये वाला जो एंगल उन्होंने मेजर किया वो एंगल था 65 डिग्री। ओके, ये वाला जो एंगल है ये 65 डिग्री था। इसका मतलब हमारे काम का तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल तो है ही नहीं, क्योंकि हमें वो एंगल चाहिए जो बीम प्लेन के साथ बना रही है। अगर ये वाला एंगल 65 डिग्री है जिसको हम इंसिडेंट एंगल कह रहे हैं, तो हमारे पास एक और एंगल है जिसको हम स्कैटरिंग एंगल कहते हैं रिलेटिव टू दी फैमिली ऑफ प्लेन। मतलब ये वाला जो एंगल है इंसिडेंट एंगल है फैमिली ऑफ प्लेन्स के हिसाब से। इसी तरह अगर हम इसका जो हमारे पास स्कैटर हुई है बीम, इसका एंगल भी हम फैमिली ऑफ प्लेन्स मतलब प्लेन्स के साथ चेक कर सकते हैं, इसी प्लेन के साथ जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर इसी प्लेन के साथ चेक करें तो कितना बनेगा, वो भी 65 डिग्री होगा। वो 65 इसलिए होगा बेटा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एंगल है 180 डिग्री इस प्लेन तक। अगर ये 65 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, तो 50 और 65 हमारे पास बनते हैं 115 डिग्री, और अगर आप उसमें 65 डिग्री और ऐड करें तो ये 180 डिग्री बन जाएगा। इसका मतलब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो स्कैटरिंग एंगल है वो ब्रैग प्लेन्स के साथ 65 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके, अब हमें एंगल पता चल गया, इसका मतलब हमें थीटा का पता है, डी का भी पता है, और एन होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि देखें, अब आपको ये मैक्सिमा मिला है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। अगर यही वाला मैक्सिमा आगे रिपीट हो जाए तो उसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा। ओके, ऑर्डर जो होता है रेपिटेशन का नाम है, मतलब एक चीज आ गई है वही चीज दोबारा आए तो उसको ऑर्डर बोलते हैं। लेकिन सपोज करें, अगर आप कभी कलर पैटर्न देखें और आपके पास चार कलर हों, रेड ग्रीन ब्लू, और चार डिफरेंट एंगल्स पे हो, आप ये नहीं कहेंगे कि रेड का पहला ऑर्डर है, ग्रीन का सेकंड ऑर्डर है। नो, वो चारों का एक ही ऑर्डर होगा। हाँ, अगर वही कलर आपको दोबारा मिलना शुरू हो जाए तो फिर आप कहेंगे कि अब ये सेकंड ऑर्डर है। तो ऑर्डर का ये मतलब होता है। ऑर्डर को आपने ये नहीं समझ लेना कि ऑर्डर का मतलब है बस अगर रेड कलर है और चार कलर आ रहे हैं, रेड ग्रीन ब्लू येलो, तो आप कहें रेड का पहला ऑर्डर है, ग्रीन का दूसरा ऑर्डर है, ब्लू का तीसरा ऑर्डर है, येलो का चौथा ऑर्डर है। नो, इन सब का एक ही ऑर्डर है। लेकिन अगर आप और एंगल मूव कराएं और यही कलर्स दोबारा आ जाएं तो फिर आप कहेंगे कि हमारे पास ये सेकेंड ऑर्डर है। तो दैट मीन्स ऑर्डर, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर क्या है, 1। अगर हम यहाँ से वेवलेंथ फाइंड करें, 2 का हमें पता है डी, क्योंकि निकल क्रिस्टल यूज किया था, उसकी वैल्यू थी 0.019 नैनोमीटर। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास वेवलेंथ आती है 0.165 नैनोमीटर। ये वाली जो वेवलेंथ है ये एक्सपेरिमेंटल हमने मेजर की है। अब हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट करते हैं डी ब्रॉगली के फार्मूला से। उसका फार्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर गैमा एम वी। इसमें गैमा था रिलेटिविस्टिक फैक्टर, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है बीम आ रही है उसकी एनर्जी है 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर हम इसकी रेस्ट मास एनर्जी कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देखें तो हमें नजर आ रहा है कि ये बहुत ही थोड़ी एनर्जी है। अगर ये बहुत थोड़ी एनर्जी है तो इसका मतलब है यहाँ पे इसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, तो हमें गैमा को सोचने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास गैमा की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि गैमा होता है 1/(1 - b²c²) अंडर रूट, क्योंकि हमारे पास वी की वैल्यू बहुत छोटी है तो वहां पे आ जाएगा 1/(1 अंडर रूट), तो 1 नहीं आएगा हमारे पास। इसका मतलब ये फार्मूला बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसकी इक्वल है, 1/(2 mv²)। यहाँ से अगर हम एम को मल्टीप्लाई कर दें और एम को डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा m²v²/2m, और ये 2m अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो आपके पास आ जाएगा mv=2m काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट। अब इसमें 2 हमारे पास आ जाएगा और m मास है इलेक्ट्रॉन का, वो भी आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करनी है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्योंकि 54 पोटेंशियल था तो 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। फिर
54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन हम क्योंकि ऐसे यूनिट्स यूज कर रहे हैं, तो हम इसके साथ 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की माइनस 19 मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा जाउल के अंदर। तो हमारे पास जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो जाउल में कन्वर्ट हो गई। हमारे पास मोमेंटम आया है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की माइनस 24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हम अगर इसको सब्स्टिट्यूट करें लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी के अंदर, एम वी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, एच की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास रिजल्ट आया 0.166 नैनोमीटर, और जो हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया है वो है 0.165 नैनोमीटर। दोनों का रिजल्ट सेम, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डायफ्रेक्शन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की डायफ्रेक्शन हो रही है तो उन्होंने ब्रैग्स के फॉर्मूले को फॉलो किया है। अगर ब्रैग्स के फॉर्मूले को फॉलो किया है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर सकता है, और इसकी वजह से डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस था वो वेरीफाई हो गया, और वेरीफाई होने के बाद उसे नोबेल प्राइज मिला था आई थिंक 1929 के अंदर, नॉट एग्जैक्टली मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उसे नोबेल प्राइज मिला था। देखिए अगर हम जेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करें तो देखने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो कॉम्प्लिकेशन इस तरह हैं कि देखो, एक इलेक्ट्रॉन जब तक उस जो हमारे पास निकल क्रिस्टल था उसके साथ आके इंटरेक्ट नहीं करता, क्योंकि जब उसने इंटरेक्ट करना है इसका मतलब है वो उस क्रिस्टल के अंदर जाएगा और एटॉमिक लेयर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा और फिर वो स्कैटर होगा। इसका मतलब उसने उस क्रिस्टल के अंदर एंटर होना है। अगर वो उस क्रिस्टल के अंदर एंटर होता है, आपको याद होगा कि आपने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर कि इलेक्ट्रॉन को उस मेटल से निकालने के लिए हमें एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिसको वर्क फंक्शन कहते हैं। अगर निकालने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एंटर हो रहा है और एंटर होके उसका पार्ट नहीं बनता बल्कि जाता है और फिर स्कैटर हो जाता है, तो यहाँ पे भी तो हमारे पास थोड़ा सा एक पॉइंट आता है ना कि यहाँ पे क्या उसकी एनर्जी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो इन हो रहा है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जब तक बाहर था उस निकल क्रिस्टल के, तो उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन जितनी देर वो उस क्रिस्टल का पार्ट बनेगा तो उसके अंदर जितना उस मेटल का वर्क फंक्शन था वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। मतलब अब टोटल एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो उसको उस क्रिस्टल के अंदर एंटर होने के बाद मिली है। अब उसकी टोटल एनर्जी पहले से ज्यादा हो गई है। अगर एनर्जी पहले से ज्यादा हो गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एनर्जी ज्यादा हुई है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन डायरेक्टली है। अगर मोमेंटम बढ़ता है तो आप ये वाला फार्मूला देखें, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। अगर मोमेंटम बढ़ता है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर चला जाता है वेव की तरह बिहेव करते हुए, तो उसकी वेवलेंथ उसके अंदर शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू बाहर। तो ये वाला एक थोड़ा ट्रिकी पॉइंट आ गया हमारे पास कि जब वो इसके अंदर होता है क्रिस्टल के अंदर उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, जब वो बाहर होता है तो उसकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू जब वो इसके क्रिस्टल के अंदर इन हो जाता है। एक और चीज देखें, जो ब्रैग्स का फार्मूला है वो एक्सरेज डायफ्रेक्शन के लिए इम्प्लीमेंट हो जाता है। जब भी वेव्स जो हैं ब्रैग्स की कंडीशन को फुलफिल कर दें कि एन लैम्डा इज इक्वल 2d sin थीटा, तो डायफ्रेक्शन हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की डायफ्रेक्शन इस तरह नहीं होती, बल्कि उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। उसका जो मैक्सिमा आता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की सर्टेन कम्बिनेशन ऑफ एनर्जी के लिए आ सकता है और सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आ सकता है, हर एनर्जी और हर एंगल पे नहीं आ सकता। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पोलर ग्राफ्स देखे हैं, उसमें तो ऐसे ही था कि वो जो एंगल था और वो एनर्जी पे भी डिपेंड कर रहा था और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब है आने वाली वेव की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वेव की एनर्जी और उसका जो इंसिडेंस एंगल है, ये दोनों डिसाइड करेंगे कि डायफ्रेक्शन होनी है या नहीं होनी। तो ऑल्दो वो उसकी कंडीशन को फुलफिल भी कर दें, लेकिन ये वाली कंडीशंस फुलफिल होंगी तो मैक्सिमा आकर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब है ये लाइक एक्सरेज की डायफ्रेक्शन की तरह ये इतना सिंपल फिनोमिना नहीं है। तो सिर्फ एक और बात, ओके ये हमारा हो गया कि डायफ्रेक्शन हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये वेव बिहेवियर है। एक और चीज़ आप याद रखें कि ये डायफ्रेक्शन सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि न्यूट्रॉन्स की भी डायफ्रेक्शन हो सकती है, इवन इवन न्यूक्लियस की भी। एक जैसे अल्फा पार्टिकल है,
अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस का मतलब है, अगर हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो बाकी वो हीलियम न्यूक्लियस कहलाता है, उसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल जो है ये भी वेव की तरह बिहेव करता है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये वेव फिनोमिना सिर्फ इलेक्ट्रॉन तक महदूद नहीं है, बल्कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम है क्योंकि उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, और वो भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो इसी तरह हमारे पास न्यूट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं।